दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तीन लगातार संख्या को यदि घटते क्रम में लिखा जाए उसके बाद उसी को यदि बढ़ते क्रम में लिख करके घटा दिया जाए तो इसका उत्तर हमेशा 198 आता है। चाहे तो आप कोई भी तीन लगातार संख्याओं के साथ इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं।